हाय गाइस, वेलकम टू द बीगल एंड फैमिली व्लॉग्स। आज हम बनाने जा रहे हैं घर का बना हुआ गरम मसाला, जिसमें कि पहले हम पैन को गैस में गरम कर लेंगे। उसके बाद इसमें सारे खड़े मसाले डालेंगे। जो भी खड़े मसाले मैं डालूंगी, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक सब सबके नाम और वो लिंक दे दूंगी। प्लस मैं आपको वीडियो में भी दिखाऊंगी। चैनल पे बने रहें और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू कमेंट कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने पैन में ले लिया है दालचीनी, जीरा, जीरा थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लें, एक जायफल, कुछ चार पांच बड़ी इलायची और 20 से 25 छोटी इलायची, काली मिर्च और ना इसको क्या बोलते हैं ये मुझे पता नहीं है, बट इसका नाम भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और एक ये इसको क्या बोलते हैं, ये अमित लाए हैं, इससे कहते हैं खुशबू अच्छी आती है मसाले में, तो इसका भी नाम मुझे बताइए। ये सिर्फ एक ही डाला है मैंने और ये मैंने चार पांच डाले हैं। ठीक है गाइस, इससे सीरियसली मैं बता रही हूँ, आपकी डिशेस में एक अलग ही खुशबू आएगी। मतलब आप बाहर का, मतलब आप अगर कुछ बना रहे हैं, आप उसमें एक में बाहर का गर्म मसाला डालें और एक में घर का बना हुआ मसाला डालें, आपको खुद ही टेस्ट में डिफरेंस नज़र आ जाएगा। तो घर का बना हुआ गर्म मसाला ज़रूर ट्राई करें। इसमें मैंने लौंग भी डाली है गाइस, और लौंग मैंने डाली है वही 20 से 25 लौंग, 20 से 25 छोटी इलायची, चार पांच बड़ी इलायची और थोड़ा सा क्या नाम है इसका, दालचीनी थोड़ा सा, और जीरा, जीरा थोड़ा अच्छा क्वांटिटी में डालिए। ठीक है, अब ये देखिए भुनना शुरू हो गया है। इसकी भी इतनी अच्छी खुशबू आती है घर में, जिस दिन मैं गरम मसाला बनाती हूँ, जैसे पता नहीं क्या ही डिश बनाई है। इसको अच्छी तरह भुनेंगे जब तक ये लाल नहीं हो जाता। सो फ्रेंड्स, देखिए गरम मसाला मेरा भुन चुका है, सारे मसाले मेरे भुन चुके हैं और ऐसे थोड़ी सी आवाज आने लग गई है। और भूनने का एक फायदा और है कि ये खुशबू छोड़ देता है, प्लस ये थोड़ा ना क्रिस्पी हो जाता है, जिससे ये ग्राइंडर में बहुत जल्दी पिसता है। ठीक है, अब हम इसको पीस के स्टोर करके रख सकते हैं, चाहे हम इसको 1 साल भी स्टोर करेंगे ना गाइस, इसमें कीड़े नहीं आएंगे। और जो हम बाजार का रेडीमेड गर्म मसाला लेते हैं ना गाइस, उसको आप पैकेट लेके आते हो, आप बड़ा पैकेट खोलते हो और उसमें कीड़े आ जाते हैं, छोटे छोटे घुन टाइप्स ना, तो घर के पीसे हुए मसाले में कभी भी नहीं आते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करें, ये मेरी अजमाई हुई रेसिपी है। सो गाइस, मसाला भुनने के बाद जब ठंडा हो जाए तो उसको अपना ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लें। कलर रेडी है और आप इसका कलर देखिए, कलर, टेक्सचर। और जब हम अब इसको खाने में डालेंगे, मतलब हम इसको अपनी सब्जी में डालेंगे, तो इसकी एक अलग ही खुशबू होगी फ्रेंड्स। सीरियसली आप ये ट्राई कीजिए, आपकी सब्जी में एक अलग स्वाद आएगा। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को करते हैं क्लोज, मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, लाइक करें वीडियो को और कमेंट करें। थैंक यू, बाय बाय।